वो सरकार निकम्मी है। कांग्रेस कमेटी सानी साहब के इस प्रोग्राम को अंजाम यहाँ पे दिया, ये रोष प्रदर्शन है। जिस ढंग से भाजपा ने देश को बेचने का काम उसकी शुरुआत यहाँ पे की, 75 साल की जो मेहनत थी, जो सरवाया यहाँ पे था, उसको बेचा जा रहा है। और बगैर किसी जो स्टेक होल्डर को, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं दिया, कोई ट्रेड यूनियन को कॉन्फिडेंस नहीं दिया, उनके एम्प्लॉयमेंट का क्या यहाँ पे होगा। और जिस ढंग से ये सिलसिला यहाँ पे जारी किया, ये जन विरोधी नीतियों में यहाँ पे आता है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा धोखा यहाँ पे, ब्लंडर यहाँ पे किया, ये ऐतिहासिक ब्लंडर है, इसको कभी हिंदुस्तान की जनता माफ यहाँ पे नहीं करेगी। और मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से महंगाई की मार, 8 महीने में 67 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होना और 2 महीनों में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होना, ये आम लोगों की कमर तोड़ के यहाँ पे रख दी। लोगों का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, जो चाय गैस या बाकी दुकानों पे यहाँ बिकती थी, कमर्शियल सिलेंडर को भी महंगा करते हुए आज वो लोग मजबूर है कि कोयले से ही वो चाय बना के बेचेंगे। गैस सिलेंडर उज्ज्वल स्कीम की धज्जियाँ उड़ा दी है सरकार ने, ये जन विरोधी नीति है। उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस के लीडरशिप, अर्पण सानी साहब की लीडरशिप में ये रोष प्रदर्शन है और ये हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा जब तक वे इसमें कीमतों में कमी ना लाते। मोदी सरकार, हाय हाय।